नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से रिलेटेड यह वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जल्द भूमि का जो अधिग्रहण है, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया, वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अभी आप देखेंगे कई न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आई हुई हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाजीपुर से माझी घाट तक बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जल्द भूमि के सीमांकन का कार्य शुरू हो सकता है। यूपीएडा और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भूमि का सीमांकन करेगी और इसके बाद किसानों का एक्सप्रेसवे के लिए भूमि की खरीद जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल सीमांकन के लिए यूपीएडा की टीम का इंतजार किया जा रहा है। आपको बताते चले कि पुराने नेशनल हाईवे 31 के स्थान पर गाजीपुर से माझी घाट तक 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। पुराने नेशनल हाईवे 31 को स्टेट के हवाले कर दिया गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 118 किलोमीटर का होगा और गोरखपुर वाराणसी NH 29 पर गाजीपुर के जंगीपुर के पास से शुरू होगा। गाजीपुर के तहसील सदर और मोहम्मदाबाद से होते हुए बलिया जनपद की सीमा में प्रवेश करेगा आपका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सदर के 72 और बैरिया के 16 गांव से होकर गुजरेगा। माझी घाट पर एक पुल बनेगा। माझी घाट पर जयाप्रभा सेतु से सटे एक 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण और कंस्ट्रक्शन पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विभाग की ओर से मार्च 2022 में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जो है वो पूरी करने का उद्देश्य था, लेकिन चुनाव के कारण नहीं हो पाई प्रक्रिया कंप्लीट। और अप्रैल तक जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की है जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया वो कंप्लीट कर ली जाएगी और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। बहुत सारे वीडियो आप लोग देखेंगे यहाँ प्लेलिस्ट में बने हुए हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से रिलेटेड। तो ये एक छोटा सा अपडेट है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर के। जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है और जैसे ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, हम आप लोगों को पूरी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। संयुक्त बैठक होने वाली है, बहुत जल्द बैठक होगी, उसके बाद तुरंत निर्णय निकलेगा और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जमीन अधिग्रहण स्टार्ट होगा। और इसी कड़ी में उसके बाद में जो आपका बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बनने वाला है, उसकी भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रोसेस में है। वो भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये एक छोटा सा वीडियो था, 4-4.5 मिनट का। वीडियो कम्प्लीट ज़रूर आप लोग देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सप्रेसवे, हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे से रिलेटेड वीडियो अपलोड आप लोगों के लिए करते रहते हैं। तो यह था एक अपडेट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से रिलेटेड। बहुत जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।